वेलकम टू डे फोर ऑफ आवर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक वीडियो और लंबी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन वाला काम है यार वो तो बाकी है ना, तो उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर जैसे मैं इसको बैक जाता हूँ एंड इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, तो ये देखिए हमारा लोगो तो दिख रहा है, लेकिन यार लोगो दिखने के बाद साइट तो ओपन ही नहीं हो रही है हमारी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं, इसका भी फंक्शन है, वो फंक्शन ऐड करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी है, देखो अगर आपको यहाँ पर एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आइए। ये देखिए जावा वाला जो फोल्डर है, जावा वाला फोल्डर ओपन कीजिए, ये ऊपर ये वाला फोल्डर ओपन कीजिए एंड यहाँ पर मेन एक्टिविटी भी मिल जाएगी आपको। इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको मेन एक्टिविटी मिल जाएगी एंड यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी पर आएंगे एंड यहाँ पर ये ऑन क्रिएट है, इसके अंदर हम कुछ दो चार लाइन का कोड लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यू हैंडलर। ये हैंडलर, न्यू हैंडलर ये क्या काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। न्यू हैंडलर, ओके, एंड आप देख लीजिए सेम यही मेथड आपको अपनाना है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सजेस्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे अभी ये सजेस्ट कर रहे हैं, ऊपर हैंडलर है, मैं इंटर दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लूपर डॉट गेट मेन लूपर, राइट, इतना काम हो गया। अब हम यहाँ पे आगे इस हैंडल वाले यहाँ पर बाहर आगे, अब डॉट लगा के पोस्ट डिलेड, अब पोस्ट डिलेड यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू रनेबल। ओके, रनेबल देखो ये हमको ऊपर सजेस्ट कर रहा है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इंटर दबाऊंगा, रनेबल देख लेना ऊपर, इंटर दबाऊंगा और मेरे सामने कुछ कोड लिख कर आ जाएंगे। ओके, कोड लिख कर आ जाएंगे। अब देखिए ये पूरा लाल लाल दिख रहा है, अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई ये वाला जो है इसके जस्ट आगे अपना कर्सर लेके जाऊँगा, कॉमा लगाऊंगा एंड यहाँ पर हमको कितने सेकंड का डिले चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो यहाँ पर डालना है मिली सेकेंड में, जैसे कि एक सेकेंड इक्वल टू 1000, एक सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड होता है, तो हमको 3 सेकेंड का डिले चाहिए तो 3000 मिली सेकेंड होगा। तो यहाँ पर मिली सेकेंड में हमको टाइम डालना है, तो यहाँ पर मैं 3000 मिली सेकेंड डाल दिया, इट मीन्स कि ये 3 सेकेंड का डिले होगा। मतलब कि होगा क्या कि यहाँ पर ये स्क्रीन 3 सेकेंड तक दिखेगी, उसके बाद हम क्या काम कराना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपने समझा, हमने एक हैंडलर लगाया, उसके अंदर हमने लिखा लूपर डॉट गेट मेन लूपर, फिर हमने डॉट लगा कर पोस्ट डिलेड लिखा कि भाई कितना डिले होना चाहिए, उसके बाद हमने लिखा न्यू रनेबल एंड हमने ये ओवरराइड किया एंड इसके बाद हमने यहाँ पे टाइम डाला कि भाई कितने सेकंड तक रुकना चाहिए स्क्रीन एंड उसके बाद कितने सेकंड बाद क्या काम होना चाहिए। अब हमको क्या करना है कि जब ये 3 सेकंड पूरा हो जाएगा, तो 3 सेकंड पूरा होने के बाद हमको यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, कि भाई ये 3 सेकंड पूरा हो गया है, अब तुमको जो करना है वो कर लो। तो 3 सेकंड जैसे ही पूरा होगा, हम क्या चाहते हैं कि हम ये इस स्क्रीन से हम अपनी मेन स्क्रीन पे चले जाएँ, मेन एक्टिविटी पे चले जाएँ। ओके, क्योंकि मेन एक्टिविटी में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है। देखिए हमको यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन आता है इंटेंट, एंड्रॉयड में इंटेंट आता है, इंटेंट का यूज करते हैं हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए। तो हम कैसे क्या करेंगे, सिंपल बहुत से दो लाइन का कोड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक इंटेंट ये देख लेना इंटेंट, और इसका नाम रख देते हैं हम इंटेंट ही रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, मैं इंटेंट ही रख देता हूँ। अब इक्वल टू न्यू इंटेंट, अब यहाँ पे न्यू इंटेंट डालें। ओके, अब इसके अंदर हमको डालना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये। ओके, तो हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमको स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी डॉट दिस, डॉट दिस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यही इस स्क्रीन पे हैं। ओके, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस से लेके हमको कॉमा लगाना है, फिर कहाँ पर जाना है वो हमको बताना है। यहाँ पर हमको जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे। ओके, हमको देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो दिस लिखे हो, यहाँ पे क्लास लिखे हो, ऐसा क्यों लिखे हो, तो देखो यहाँ पे देखो दिस इसलिए लिखे हैं
क्योंकि इसको मालूम पड़ सके कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये यही एक्टिविटी है। ओके, हम करंट एक्टिविटी में हैं तो यहाँ पर हम दिस का यूज किए हैं, हमको जाना जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास का यूज करेंगे। तो सिंपल एक लाइन का हमने ये कोड लिखा है, अभी तक हमारा काम हुआ नहीं है, अभी हमने केवल ये कोड लिखा है और हमारे पास ये इंटेंट का अभी तक हमने यूज नहीं किया। अभी तो हमने केवल ये बनाया है कि भाई हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक समझ लो हमने लिफाफा तैयार कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डाकिये को पकड़ाएंगे, भैया ये लिफाफा लो और ये काम कर दो। तो वो डाकिया कौन है हमारा, हम सिंपली क्या करेंगे, कमेंट जी हाँ, हम क्या करेंगे इसी लाइन के नीचे हम क्या करेंगे, एक कोड आता है स्टार्ट एक्टिविटी। ओके, ये देखिए स्टार्ट एक्टिविटी हमारे पास है, हम इसको लेके आएंगे और यहाँ पर हम सिंपली अपना इंटेंट डाल देंगे जो हमने ये इंटेंट बनाया। ओके, ये इंटेंट, या फिर अगर आपने इंटेंट नाम नहीं रखा है, इसका कोई दूसरा नाम रखा है, तो जो भी नाम रखा है आपने, आपको केवल यहाँ पे वही डालना है, इसका जो नाम रखे हो आपने यहाँ पर, और वही यहाँ पर इसका डालना है। ठीक है, हमने क्या किया भाई, सिंपल देखो स्क्रीन जब लॉन्च होगी तो हमारा ये हैंडलर चलेगा। ये कितने सेकंड तक चलेगा, 3 सेकंड तक चलेगा, मिली सेकंड में हमने वैल्यू डाली है। और जैसे ही ये खत्म होगा तो हमको यहाँ पर इसके अंदर हमको सूचना मिल जाएगी कि भाई 3 सेकंड खत्म हो गया, अब क्या करना है वो बताओ। अब जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च कर देंगे। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम ये वाली एक्टिविटी को फिनिश कर देंगे, मतलब जड़ से ख़त्म कर देंगे। ओके, कि भाई अब से जब बैक करेगा कोई बंदा तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, ये मतलब एक्टिविटी ना दिखे। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में, देखिए हमारी मेन स्क्रीन ये लॉन्च हुई, लोगो वाली, ये लोगो है यहाँ पर, इससे हम कहाँ पे गए, यहाँ पर गए ये वाली स्क्रीन पे। ओके, ये हमारी मेन स्क्रीन है। तो आमतौर पर क्या होता है, जब हम बैक बटन दबाते हैं, कभी भी हम आप गौर किए होंगे, जब हम बैक बटन दबाते हैं तो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी पे, प्रीवियस स्क्रीन पे हम क्या होते हैं, रिडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी देखे होंगे कोई भी एप्लीकेशन में जो स्प्लैश स्क्रीन रहती है और वो मतलब बैक बटन दबाने पे शो नहीं करती, वो मतलब यानी हट जाती है, वो केवल एक ही बार शो करती है जब एप्लीकेशन लॉन्च होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इसको लॉन्च करेंगे हम क्या करेंगे, इसी को मतलब यहीं पर मार देंगे, मतलब फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने से होगा क्या कि बैक बटन दबाने पर ये वाली स्क्रीन लॉन्च नहीं होगी, हम डायरेक्टली एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाएगी, समझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे एंड जस्ट इसके नीचे ये कोड लिखेंगे फिनिश, दैट्स इट, इतना ही लिखना है कि फिनिश का मतलब ये समझ जाएगा कि भाई अब मुझे ये काम करके फिनिश हो जाना है। ठीक है, तो अब चलिए टाइम आ गया है, हम फाइनली इसको रन कर रहे हैं। देखा दोस्तों, ये 3 सेकंड तक हमारा मतलब जैसा हमने लिखा था, मतलब हमने चाहते थे वैसे ही काम हुआ है, हमारा स्प्लैश स्क्रीन दिखा, उसके बाद ये हमारी साइट लोड हो गई। अब इसको बगैर फिर से बैक करता हूँ मैं और फिर से इसको लॉन्च करता हूँ, तो ये देखिए स्क्रीन दिखी और 3 सेकंड के बाद हमारा जो है ये मेन स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्लैश स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको बैक करता हूँ तो ये देखिए एप्लीकेशन डायरेक्टली क्लोज हो जा रही है। ओके, तो देखा आपने किस तरीके से एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर लिया, बहुत ही बखूबी से, बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू आर इंजॉइंग दिस सीरीज देन प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हो ना यार, तो यार अंदर से ऐसे खून ऐसे और बढ़ जाता है। ओके, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपना जो भी सवाल है सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।